कल लखनऊ में बीएसपी के हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के खासकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसने कल बीएसपी की इस मानवतावादी सोच व नीतियों के विरुद्ध जाकर तथा अपनी विरोधी पार्टियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी काफ़ी कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके उनके बारे में काफ़ी अनर्गल बातें भी कही हैं जो बीएसपी के कल्चर के पूरे तौर से विरुद्ध हैं। उन्होंने जो भी कल कुछ बोला है तो ये सब बीएसपी के सोच व नीतियों के विरुद्ध भी हैं, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए तथा पार्टी व मूवमेंट के हित में भी आज हमारी पार्टी ने नए नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और साथ ही इनको आज ही बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी पार्टी के साथ जब तक चुनावी गठबंधन की घोषणा नहीं हो जाती है तो तब तक पार्टी के लोगों को गठबंधन के बारे में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या अन्य किसी और राज्य का भी मामला हो, तो तब तक पार्टी के लोगों को गठबंधन के बारे में किसी कुछ भी बात किसी भी स्तर पर नहीं करनी चाहिए। अर्थात ये सब पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी की हाई कमान पर ही छोड़ देना चाहिए।